यहां है तो पहली चीज अल्लज़ीनहुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। खुशू खुजू वाली नमाज चाहिए जन्नत का वारिस बनने के लिए और कामयाब मोमिन बनने के लिए। पहली चीज हो गई, आइए दूसरी चीज पर। वल्लज़ीनहुम अनिल लग्वी मुअरिज़ून, जो लग्वियात से दूर रहते हैं। लग्वियात में झूठ, गीबत, चुगली, जबान से ऐसी बातें कहना जिससे किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो, लग्वियात के अंदर ये चीज भी शामिल है। और लग्वियात के अंदर वो काम भी शामिल है जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, कोई फायदा ना हो और हमारा वक्त बर्बाद हो रहा हो। मसलन कैरम बोर्ड खेल रहे, कोई फायदा नहीं है, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। उससे न हमारी तंदुरुस्ती में इजाफा हो रहा है, न हमारे घर में हमारी बच्चों की इस्लाह हो रही है, सिर्फ वक्त का की बर्बादी है। इसलिए लघु कामों में कैरम बोर्ड भी आता है, लघु कामों में हमारा क्रिकेट का खेलना भी आता है, लघु कामों के अंदर हमारा पतंग उड़ाना भी आता है, लघु काम के अंदर मेरे भाइयों शर्त लगाकर मैच खेलना भी लघु कामों के अंदर आता है, लघु काम के अंदर शतरंज खेलना भी आता है। और शतरंज तो इतना बड़ा गुनाह है, चौसर खेलना, शतरंज खेलना, जमीन पर रखकर गुट्टी को इधर उधर रखकर, है कहते हैं ये बादशाह है, इसने एक गोली मारी और इसने फला को त्रस्त कर दिया, फला को है, ये रानी मर गई, राजा मर गया, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर। ये शतरंज का खेल तो इतना गंदा है कि नबी अकरम ने इस खेल के बारे में फरमाया कि जिसने शतरंज खेला उसने सूअर के खून में अपने हाथ को डाला, उसने सूअर के खून में अपने हाथ को धोया। खेलते हैं कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड सभी उसी हुक्म में है। कोई एक चीज ध्यान कर दी जाए तो नतीजा उसी से निकाला जाएगा। और इसके बावजूद ये सब सुनते हैं, और सुनने के बावजूद भी आप चले जाइए बल्ले डांगा बोर्ड से मौजमपुर तक, तो रास्ते में कितने बड़े बड़े कैरम बोर्ड लगता, पूरा कमरा खेले हुए हैं और देख रहे हैं सलाम भी हो रहा है, कैरम बोर्ड भी खेला जा रहा है। शर्म नहीं, एहसास तक नहीं होता है कि कल तो तकरीर किए हैं मौलाना साहब कैरम बोर्ड पर और आज उन्हीं की आंखों के सामने हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हया शर्म जब किसी इंसान के जिस्म से निकाल ली जाए तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए फरमाया शर्म हया बाकी रखी जाए, क्योंकि अगर शर्म हया निकल गई तो इंसान अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ भी जिना कर बैठेगा। कोई जब शर्म हया ही नहीं रही तो फिर उससे कोई भी काम का इम्कान है, कुछ भी कर सकता है, हर काम उसके लिए मुमकिन है, हर काम पॉसिबल है। सब लघु कामों में आता है,